खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड में, राइट। मैं 98 में चला गया था न्यूजीलैंड और 2000 से मैंने एक ब्रांड डेवलप किया जिसका नाम रवीज़ है। हमारे नाम पे मेरा नाम रवि है, तो जेड में न्यूजीलैंड से लिया था तो रवीज़। और स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो ब्रांड को मैं पूरे कंट्री में, देयर वाज अ टाइम कि वो कंट्री में वन ऑफ द पॉपुलर और बिगेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट ब्रांड बना था। यू नो पीपल दैट स्टेज मैकडोनल्ड के साथ कंपेयर करना स्टार्ट। तो इंडियन तो हमने बहुत, इंडियन और इंडियन चाइनीज हमने बहुत साल किया, 18-20 साल हमने किया। इंटरनेशनल में ट्रैवल बहुत करता था मैं, कलकत्ता से हूँ। मेरे डिटर्मिनेशन था कि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट लेके आना है कि लोग को लगे कि हाँ कुछ नया है। और खाली प्रोडक्ट की बात नहीं, खाली कुजीन की बात नहीं है, काफ़ी एरिया है जो लोग नहीं देखते कि बैक एंड से क्या काम होता है। वो मेरे को करना है, लोग को बताना है कि खाने का साथ साथ हाइजीन स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हाइजीन स्टैंडर्ड यहाँ लोग नहीं मानते हैं, बट इंटरनेशनल जब आप जाते हो तो थोड़े छोटे छोटे बारीकी जो हम यहाँ मिस करते हैं वहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। वो चीज़ है। सर्कस सर्कस का थीम जो है, मैं मलेशियन कुजीन का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यू नो, क्योंकि बहुत सिमिलर इंडियन से है बट डिफरेंट है। तो ये सर्कस सर्कस का जो थीम है, एक तो फंकी थीम है, यू नो, और कुजीन का ऐसा नहीं कि फ्यूज़न है, ये बिल्कुल फ्यूज़न नहीं है। टोटल मेन्यू हमारा जो है साउथ ईस्ट एशियन कुजीन है, मलेशियन डोमिनेटेड बाय मलेशियन एंड इंडियन। तो टिपिकल नॉर्थ इंडियन मेन्यू, एक पार्ट आप मेन्यू को देखेंगे तो टिपिकल नॉर्थ इंडियन, हाफ मेन्यू इज़ नॉर्थ इंडियन मलेशियन, और साथ में थोड़े बहुत चाइनीज और थाई की कॉम्बिनेशन है। काफ़ी सैलड्स हैं, हेल्थ फूड काफ़ी है। तो ये जो है, मैं काफ़ी ये एरिया में रहता हूँ, मैंने जब भी आता हूँ तो ये एरिया में रहने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ का मेरे को लगा कि ये अंधेरी वेस्ट में जो है इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, और जगह काफ़ी दिनों से मैं तलाश में थे कि जगह मिले। अभी फ़िलहाल बहुत छोटा जगह मिला है, बट प्लान ये है कि अपने को बड़ा ब्रांच खोलना है, बिगर आउटलेट खोलना है, काफ़ी खोलना है और कवर करना है, मुंबई सिटी कवर करना है। प्लस जब एक बार ये ब्रांड यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम ये इंडिया बेस्ड बनाएंगे। अगर हम जाकर ओवरसीज़ में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो डिटर्मिनेशन ये है कि हम ये जो ब्रांड है हमारा सर्कस सर्कस है, और जिस तरह कुजीन हम ऑफर कर रहे हैं, हम इंडिया में इस ब्रांड को काफ़ी फ्लरिश करेंगे। आपने कहा जिसे न्यूजीलैंड में आपने स्टार्ट किया था, उस वहाँ से यहाँ पर आप कुछ नए चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ पॉइंट आउट करें, कुछ नए चेंजेस जो आपको लगता है यहाँ ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत ये है कि काफ़ी मलेशियन और इंडियन कुजीन ऐसा है कि कुछ खाना ऐसा है, व्यंजन ऐसा है कि वाइन्स का के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग यहाँ पर अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं। यू नो, प्लान यही है कि बेस्ट वाइन, जो वर्ल्ड का बेस्ट वाइन है, वो हम इंपोर्ट करें,
और वो खाने के साथ हम एक कॉम्बिनेशन बना के लोग को बताए कि आप यू नो वाइन के साथ कौन सा खाना अच्छा कॉम्बिनेशन में जाता है। रवि जी, लेकिन जायका जो होता है जायका, वो खास कर कैसे अलग, इंडियन जायका अलग ही होता है कुछ, आप कह रहे मिक्स करेंगे? नहीं, मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल। हमारा मेन्यू जो है, हाफ ऑफ द मेन्यू जो है एकदम टिपिकल नॉर्थ इंडियन है। मैं नॉर्थ इंडियन फूड का ही जो हमने काम किया आज 20 साल, यू नो पूरे गोरे को जो न्यूजीलैंड में गोरा नहीं खाना जाता था उसको हमने खाना सिखाया है। अब बिल्कुल, जब हम गए थे वहाँ पर सिर्फ 4 या 5 रेस्टोरेंट हुआ करता था, आज ऑकलैंड शहर में कम से कम 150 रेस्टोरेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर तक रवि के को वहाँ पर खाना, हाँ जी, हमने सभी 20 साल से मैं रवि के खाने को, ऑकलैंड में हमने सभी को कैटर किया, इंडियन टीम से लेकर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, हमने जितने रेस्टोरेंट खुला लाइक यू नो सो एक अलग लेवल में लेके गए थे। तो ऐसा नहीं है, मिक्स नहीं है, इसलिए मैं पहले बताया फ्यूजन नहीं है। प्लान ये है कि सर्कस सर्कस में साउथ एशियन का एक कॉम्बिनेशन रहे कि लोग को अगर मलेशियन खाना तो मलेशियन भी खा सकता है, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन कुजीन भी खा सकता है। बहुत ही अपबीट है और बहुत ही स्ट्रांग है, इतना बड़ा ब्रांड है, उस तरीके से ओपनिंग नाइट में ही उस थीम को बरकरार रखा गया है। अब अगर नीचे से अगर आप ऊपर आ रहे हो तो आप देखोगे कि जगलर्स है, जोकर्स है, सारे के सारे। तो सर्कस के बारे में जो इसके ओनर है रवि सिंह जी का ये कहना है कि सर्कस हमारे लिए बहुत ही सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो उस ओल्डेस्ट फॉर्म को एंटरटेनमेंट को बरकरार रखा गया है। हर बार उस तरीके से जब आप यहाँ आते हो तो जो एंटरटेनमेंट होता था सर्कस में वो एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मतलब ये जो ईटरी है ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की जगह है। तो इस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए आपको इस जगह पर आना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप यहाँ आकर जितने भी डिलिकसीज हैं, जितनी डिशेज आप अगर खाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितना खूबसूरत इसका एम्बियंस है उतना ही खूबसूरत इनका स्प्रेड भी है। अगर हाथी घोड़े वगैरह उसके ऊपर बैठ कर खाना मिलेगा? नहीं, वैसा नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ जगलर्स में मिलेंगे, आपको एम्बियंस देख के ऐसा लगेगा कि एक एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, खाने के साथ साथ एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट भी है। अगली बार हो सकता है कि हाथी घोड़े भी आपको देखने मिले सर्कस ऊपर बैठ के खाना खाए। आपसे हम चाहेंगे यूनिकनेस काफ़ी अच्छी लग रही लोगों को, कुछ अलग कुछ नया, तो यहाँ पर ये यूएसपी क्या लग रही, कितनी बेहतर लग रही इस चीज़ के लिए? मतलब देखिए, एक तो क्या है कि साउथ एशियन जो फूड है वो रेगुलर नहीं है, लोगों ने जो चाइनीज़ तक तो खाया है, थोड़ा बहुत थाई फूड भी जो है आजकल काफ़ी जगह इंडिया में और बॉम्बे में मिलना शुरू हुआ है, लेकिन मलेशियन फूड जो है वो इतना यूज टू लोग अभी बॉम्बे के या इंडिया के लोग हुए नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल नई रेसिपीज होगी और वो एक अपने आप में एक्सपेरिमेंट है। और जैसा गिरीश ने कहा कि यहाँ पर जो है साथ में सिर्फ फूड नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो उसको बोलूँगा कि एक्सपीरियंस बेहतर वो एंटरटेनमेंट भी है। तो यू कैन एंटरटेन यूर सेल्फ व्हाइल यू आर हैविंग फूड एंड यू आर ईटिंग। चीज़ें आपकी टेस्टी होगी, कुछ स्वाद जाहिर कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी मतलब खासकर मलेशियन जो इंडियन ब्लेंड है उसकी बहुत सारी नॉनवेज डिशेज हमने ट्राई की, ऑसम है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसको ट्राई करें। मुझे बड़ा पहले तो अपने नाम में, नाम जो है अपने आप में अलग है, सर्कस सर्कस देख के सुन करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ अलग होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए और यहाँ का जो स्वाद लिया, चाहे वो चिकन का आइटम हो, चाहे मशरूम का आइटम हो, पनीर का आइटम हो, वो सारे मैंने टेस्ट किए, तो उसका फ्लेवर, उसका स्वाद, मतलब कई चीज़ों को आप सादगी से बनाते हैं और खाते हैं तो उसका एक अलग मज़ा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप खाते हैं उसमें किस व्यक्ति का क्या उसमें मसाला मिला हुआ है, क्या उसका स्पेशलिटी है, वो यहाँ पर आके आपको स्वाद में पता लगेगा, क्योंकि ये स्वाद ऐसी चीज़ है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करने में शायद शब्द छोटे होते हैं, क्योंकि स्वाद जीभ की बात है। तो वो आप लोगों ने खाया है तो अलग बात है, नहीं खाया तो आप खाएंगे तो फिर आप वही चीज़ बोलने लगेंगे। सर्कस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारक हो रवि जी को इसके लिए कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जगह खोली है यहाँ पे, जो कि मलेशियन और इंडियन क्विजीन है। तो मे बी दे आर मेकिंग सम फ्यूजन हियर, सो मुझे तो बहुत पसंद आया टेस्ट, और इवन एम्बियंस इज़ वेरी नाइस विथ सर्कस के नाम को, बिल्कुल ही वो स्टिक किए हुए विथ रेड एंड वेरी वाइब्रेंट कलर्स, सो आई लाइक दैट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इसकी।
सर्कस सर्कस ये जो नाम है ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं कर चुका हूँ कॉमेडी सर्कस, और कॉमेडी सर्कस और सर्कस ये दोनों ही चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के दुख हरने के लिए और उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाने के लिए मशहूर है। तो मैं रवि भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, आज तक ये कहावत थी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन इनकी काबिलियत को देख के लगता है कि जहाँ पर ना पहुँचे कवि, जहाँ पर भी ना पहुँच पाए अनुभवी, वहाँ पहुँच पाए हमारे भाई रवि। तो सर्कस सर्कस इस पैर से पब को कहो, बार को कहो, रेस्टोरेंट को कहो, फैमिली, मतलब जिस तक जिस तरह की आपकी मानसिकता हो उस तरह के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ म्यूजिक भी है, खाना भी है, मतलब गाना और खाना एक साथ। मुझे सर्कस का फूड बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है। आई लव टू लाइक आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो, तो आई लव टू सी इन्होंने जो पूरा सर्कस का एक थीम यहाँ पे बनाई है, पूरे जोकर एंड ऑल दिस। आई लव दिस क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे पब में जाके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करना और अपने ओके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका फूड अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया है और मेन आप सब मीडिया जो मेरे इतने प्यारे हैं, दिल के बहुत करीब है, आप लोगों को इनवाइट किया तो मेन मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना फिर, इधर आप लोग इधर है तो। जी आपने सुना सर्कस के बारे में, नाम से सर्कस तो क्या माइंड में आया पहले आपके? मेरे माइंड में एक्चुअली यही आया कि सर्कस इन लाइक जो हम बचपन में देखते थे कि एक जोकर होता है वो अपना लाइक वो कहते हैं ना अपने अपने जो उसको करना होता है गेम्स करतब दिखाता है वो, तो मुझे लगा कि शायद उस टाइप का बच्चों का कुछ इन्होंने खोला होगा, बट नहीं, मुझे रियली इज वेरी नाइस कि इन्होंने बहुत एक अलग थीम से यहाँ पे सिंगिंग है, यहाँ पर ड्रिंक्स है, वहाँ फूड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्कस काफ़ी देखे मैंने, बहुत सारे सर्कस देखे और अलग अलग सर्कस देखे और ये भी कुछ अलग ही सर्कस है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी पॉजिटिव प्लेस एंड आई थिंक मैंने सुना है और मैं भी टेस्ट भी करने वाली हूँ, इनका खाना बहुत अमेजिंग है, बहुत यम खाना है मेरे ख्याल से, सो इट्स अमेजिंग फैंटास्टिक प्लेस। आपने टेस्ट किया फूड को, कैसा लगा फूड आपको? बहुत अच्छा लगा। आई एम बेसिकली वेजिटेरियन सो बट इनके पास जो वेजिटेरियन खाना है वो नॉनवेज के कंपेयर में बहुत अच्छा है। टेस्ट मैंने जैसे अभी किया है, मैंने पनीर ट्राई किया बिकॉज आई एम वेजिटेरियन सो इट वॉज यमी। एक्चुअली मैं नॉर्थ से हूँ तो वहाँ का खाना आपको पता है नॉर्थ का खाना बहुत यमी होता है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, यहाँ की स्मेल बहुत अच्छी लगी खाने की, सो लेट्स सी। बट सर्कस नाम भी उतना इंटरेस्टिंग है और हम आ गए पहले दिन तो guys wish you all a happy new year 2020 and this is Myra here for all of you and this is such a beautiful place and the name itself that says like circus circus you know like I'm so happy at least like it's so fun it's so colorful and you know like it's an amazing concept it's like you know the entertainment starts with circus circus you know like life is all about a circus and I guess we all are joker here in this life isn't it so let's just get drunk and like wear your dancing heels and do come here to this beautiful place at Juhu Circus Circus. Hey guys, I'm Pooja Rajorian, I'm actress and a model and I want to say it's an amazing place where you can sit, you can chill, you can enjoy your drink and enjoy the music. Thank you very much for inviting me Mr. Pritam Sharma and all of you. सर्कस की जब भी बात करते हैं हम तो क्या आपके माइंड में आया यहाँ पे बारे में? किंडर टाइप ऑफ अ हैप्पीनेस प्लेस वेयर यू कैन सी द जोकर्स एंड गेट सम काइंड ऑफ अ गुड वाइब्स एंड या अमेजिंग प्लेस टू हैव फन एंड चिल विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। फूड अपने टेस्ट किया आपने, कैसा लगा फूड आपको? इट्स वेरी गुड इन टेस्ट एंड इट्स अमेजिंग।